हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसमें हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, रोम्बस, पैरेललोग्राम्स और ट्रेपेजियम शामिल है। ठीक है, तो बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है? सबसे डाउट होता है सबसे ज़्यादा बच्चों को कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर के बारे में अगर बात की जाएंगी तो एक ऐसा फिगर जिसकी, देखो क्या ये ट्रेप क्वाड्रिलेटर है ना, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड डी ए। जब सभी इक्वल होंगी तो इसको ए अगर लिखेंगे तो ये भी ए हो जाएगी, ए और ए हो जाएगी। अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये हमारा, सभी साइड्स इक्वल हैं तब हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, एक कंडीशन और इसके साथ होगी, इनके सभी एंगल्स जो होंगे वो 90 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 90 डिग्री के, 90 90। ओके, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब इनके डायगनल्स की बात की जाएगी। डायगनल्स होते क्या हैं? अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, अपोजिट एंगल को मिलाने के लिए लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक, ये हमारी डायगनल बोली जाती है। क्या बोली जाएगी? डायगनल। ठीक, इसके बाद में आते हैं स्क्वायर। इसमें सभी फैक्ट पता होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, और साइड है क्या हमारा? ए। दूसरी साइड वो भी तो ए ही है, इसलिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, दूसरा पोर्शन आता है हमारा पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स का सम। सभी साइड्स का सम करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4 है। क्या यही हमारा पेरीमीटर है? चूँकि हमारी ए साइड है इसलिए हम इसको 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बात और मैंने बताई थी डायगनल के बारे में। तो डायगनल अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे भाई? डायगनल भी तो एक पोर्शन है हमारा। तो डायगनल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए फॉर्मूला होता है साइड रूट टू। ये कैसे आया साइड रूट टू? साइड तो समझ में आता है मगर रूट टू कैसे आ गया? तो रूट टू के लिए क्या ये हमारा एंगल ट्रायंगल बी डी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बी डी सी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? और चूंकि हमारी ए साइड ये दे रखी है, ए साइड ये दे रखी है, जो डायगनल तो यही है ना, बी डी, बी डी डायगनल है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं हम लोग। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या है? ए है। डी सी क्या है? ए है, मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हट के इस पे जाएगा, तो स्क्वायर जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है तो उस पे अंडर रूट लग जाता है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, उसके ऊपर अंडर रूट लग गया। ठीक है, ए स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो ए रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी हमारी ए रूट 2 हो जाएगी, जो कि हमने लिख रखी है। ठीक है, क्या स्क्वायर के बारे में सभी बातें समझ गए? ठीक, आगे चलते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल होता क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल होता क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डी सी और ए बी इक्वल होंगी, बी सी और ए डी इक्वल होंगी। तो अगर डी सी हमारी एल है तो ए बी भी हमारी एल होगी, अगर बी सी हमारी बी है तो ए डी भी हमारी बी होगी।
बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर और रेक्टेंगल की सिर्फ यही कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए कि हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल हैं, इसके साथ साथ जो इसके एंगल्स होंगे सभी ये 90 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 90 90 डिग्री। आया समझ में? फिर डायगनल्स बताए थे ना, एंगल्स को मिलाने वाली लाइंस हमारी डायगनल्स होती हैं। क्या समझ में आया है? ए डायगनल हमारा ए सी और बी टी, क्या यही डायगनल है ना? ठीक है, इसमें भी एरिया होता है, बट एरिया के लिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है? जैसे इसमें स्क्वायर में साइड इंटू साइड था, वैसे ही हमारा रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आया समझ में? फिर पोर्शन आता है हमारा पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर में बताया ना, सभी साइड्स का सम, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये फैक्ट है। कभी भी अगर पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है, या फिर क्वाड्रिलेटर का निकालना है, किसी भी का, मतलब कोई भी पॉलीगन हो, उसका हमें पेरीमीटर अगर निकालना पड़ता है, तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स यूज करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स किया है, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो इसको लिखेंगे 2L+2B। 2 कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी, क्या यही हमारा पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, आ गया ना? ठीक है, ये पोर्शन डायगनल के बारे में मैंने बात की थी। इसमें अगर स्क्वायर में डायगनल होता है, तो रेक्टेंगल में भी डायगनल है। इसके लिए क्या करेंगे? इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बी हमारा बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यही तो डायगनल है, बताया ना अभी सर इधर साइड से, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी डायगनल होगी। कैसे आया? इसको समझने के लिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है वो दोबारा पूछ सकता है। ओके, क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब क्या होता है? सभी लोगों ने डाइस तो देखा ही होगा, डाइस देखा सभी ने? ठीक है, अच्छी बात है। क्या कुछ इसी तरह का डाइस होता है ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, डाइस में सभी पोर्शंस मतलब सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ए है तो ए और ए, क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब ये कि इसकी जो सभी साइड्स होंगी, साइड सभी जो साइड होंगी, इसकी साइड्स तो हैं ठीक, सभी इक्वल होंगी। ओके, क्यूब क्यूबॉइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। क्यूबॉइड में होता क्या है? इसमें वर्टेक्स पूछता है आपसे, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, तो वर्टेक्स काउंट करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, यही वर्टेक्स बोले जाते हैं। ठीक, तो वर्टेक्स कितने हो गए? 8। फिर बात आती है एजेस की, एजेस की, तो भैया जब दो सरफेस, पहले सबसे पहले सरफेस समझ लेते हैं। सरफेस क्या होता है? सरफेस, सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये एक कागज का रखा है यहाँ पे, एक पेज है हमारा, इसको जो टच करेंगे, इसका जो फर्स्ट पोर्शन इसे हम टच कर सकते हैं, ये हमारा सरफेस है। उसी तरह डाइस में भी जो हमारे सामने है, इसको जो हम टच कर सकते हैं, इसको, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस कितने होंगे? तो फर्स्ट पोर्शन, फिर सेकंड पोर्शन, देन इसके जस्ट अपोजिट थर्ड पोर्शन, राइट में एक पोर्शन, लेफ्ट में एक पोर्शन, एंड डाउन एंड टॉप। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6 पोर्शन। कितने होंगे? क्या 6 सरफेस दिख रही है सभी को? ओके, फिर बात आती है एजेस की। अब बोलेंगे सर एजेस क्या है? तो भैया जो जब दो सरफेस एक जगह पे मिलाई जाती हैं, जब दो सरफेस एक जगह पे इस तरह मिलाई जाती हैं, एक सरफेस तो ये हो गई, दूसरी सरफेस इस मिल गई आके यहाँ पे, तो जो ये पोर्शन होता है ना,
दो सरफेस को मिलाने वाला जो पोर्शन होता है यही हमारे एजेस होती हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ओके। तो 4 अगर इस साइड पे हैं तो 4 पीछे भी साइड पे होंगे, ठीक है। तो 4, 4, 4 + 4। अब कहेंगे सर इधर भी 4, 4 होंगे। नहीं 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 क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड दोनों काउंट कर चुका हूँ। देन फर्स्ट सेकंड हमें सिर्फ 4 और ही काउंट करनी है क्योंकि इनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारी एजेस हो जाएंगी टोटल। बोलो आया या नहीं आया, एजेस कितनी हो जाएंगी 12। फिर जो सभी में एरिया होता है, पेरीमीटर होता है और डायगोनल्स होते हैं, तो इसमें भी हमारा सरफेस एरिया होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्यूब में हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, इसका मतलब है सिर्फ रूफ और टॉप को छोड़ के, फ्लोर और मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है इसको और रूफ को छोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा लेटरल सरफेस। मतलब 4 वॉल्स का निकालना है, 4 वॉल्स का, सीधे समझो कि 4 वॉल्स का हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। 4 वॉल्स सभी को दिख रहे हैं ना, तो 4 वॉल्स का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या एक सरफेस का एरिया जो क्या एक स्क्वायर है ना, बोलो हाँ या ना। तो एक सरफेस हमारा एक स्क्वायर बेस्ड है ना, तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और टोटल कितनी सरफेस, सिर्फ वॉल्स की बात की जा रही है, तो 1, 2, 3, 4 टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या ये 4a² हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, बोलो हाँ या ना। आया, एक पोर्शन आता है आपका जब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बात की जाएगी अगर, तो भैया मेरे वॉल्स तो ऐड होंगी होंगी और रूफ और बॉटम भी हो जाएगा, तो a² + a² = 6a² हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक। यहां तक समझ में आया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ओके। फिर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम वॉल्यूम आपसे पूछेगा या फिर क्यूब की में जो भी कैपेसिटी होती है इसकी, ये पूछेगा। तो कैपेसिटी के लिए आप यूज करेंगे साइड इंटू साइड, ओके। देखो क्या इसके सरफेस में साइड इंटू साइड लगेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए साइड इंटू साइड लगेगा। और कितनी हाइट तक, ए हाइट तक, इसलिए साइड इंटू साइड, ओके। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने एक बात बताई है कि इसमें भी तो डायगोनल्स होंगे ना, बोलो क्या ये डायगोनल है, ठीक। डायगोनल के बारे में इसमें अगर बात की जाए, डायगोनल के लिए होता है फॉर्मूला हमारा साइड √3। कहेंगे सर ये साइड रूट थ्री कैसे आ गया, तो साइड रूट मेरे बच्चे ऐसे आ गया। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा फर्श होगा इस पे हम इसका फर्श का, सिर्फ फर्श का हम डायगोनल निकाल लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल निकालना मुझे आता है, ठीक है। डायगोनल निकल आएगा, फिर देखते हैं सिर्फ फिगर, इसका नाम डाल देते पहले BCDEFGH, ठीक है। तो क्या AHF को अगर 3D फिगर में देखा जाता, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो इसका जो बेस होगा a√2 हो जाएगा और AF है हमारा, A है तो डायगोनल निकाल लेंगे आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ना, ठीक है। a² a√2 का होल स्क्वायर, ओके। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा साइड √3 ही आएगा, ओके, कर लेंगे, ठीक है। एक कदम और आगे चलते हुए बात करेंगे हम क्यूबाइड के, क्यूबाइड में होता क्या है, जैसे कि हमने स्क्वायर से मिला के हमने क्यूब बनाया, वैसे ही हम रेक्टेंगल को मिला के क्यूबाइड बनाएंगे, ओके। सभी के घर में बॉक्स या फिर मैच बॉक्स होगा ना, स्टूडेंट के पास ज्योमेट्री बॉक्स तो होना नेसेसरी है, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स को देखेंगे और एज्यूम करेंगे
कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इमेजिन कर लिया ना सभी ने, गुड। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। सेम प्रोसेस में भी है, वर्टेक्स कितने होंगे भाई, वर्टेक्स चेंज थोड़े ना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सरफेस भी चेंज नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6। सरफेस कितने, सिक्स, ओके। फिर एजेस भी नहीं चेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। तो भैया मेरे आगे बढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाएगी। तो मैंने बोला ना, लेटरल सरफेस एरिया जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपको ये करना है कि इनके फोर वॉल्स का ही एरिया निकालना है। तो कहेंगे सर इसमें तो समझ में आता था कि एक स्क्वायर था तो कर लिया था, बट इसमें क्या है। तो भैया इसमें कुछ भी नहीं है, क्या आपको बेस पे आपका रेक्टेंगल दिख रहा है ना सभी को, ओके। रेक्टेंगल अगर दिख रहा है तो रेक्टेंगल लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, ठीक है। एंड इसकी जो वॉल्स होगी, क्या ये भी तो एक रेक्टेंगल का ही काम करेगी, क्योंकि इसमें एक बेस है और एक हाइट है, अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो रेक्टेंगल होता है, ये कंडीशन पहले बता रखी है मैंने आपको, ओके। तब अब बढ़ते हैं एक एक कदम आगे। तो सरफेस के लिए छोड़ देंगे, टॉप के लिए छोड़ देंगे, वॉल्स से हमें मतलब है ना, तो वॉल्स के लिए फर्स्ट वॉल के लिए देख लेते हैं। तो एल बी क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो एल बी मतलब एल एच, सॉरी माई मिस्टेक, एल एच, ओके, एल इंटू एच, ओके। देन पीछे भी इसके होगा, तो टू टाइम्स जब होगा तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आगे एक पीछे, हो गया, यहां तक समझ में आया, ठीक। दूसरा, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में बी इंटू एच, राइट में भी बी इंटू एच है तो इसलिए टू से मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया ना फोर वॉल्स। अब जो दोनों में कॉमन निकलता दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे, क्या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, बोलो हाँ या ना। लेटरल सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ओके। फिर एक कदम और आगे चलते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आता है, क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मैंने बोला है कि फ्लोर और रूफ को काउंट कर लेंगे, फ्लोर और रूफ को काउंट कर लेंगे, ओके, या फिर कहें टॉप और बॉटम को भी काउंट कर लेंगे। तो 2L H था, 2B H था, और LB और LB दोनों काउंट कर लेंगे, 2LB ऐड कर लेंगे, बोलो हाँ या ना, ओके। फिर क्या टू कॉमन आ रहा है ना, तो 2 BH + BH + LB, क्या टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप सभी को दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ओके। अब इसमें बात की जाएगी वॉल्यूम के, वॉल्यूम को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं सभी को, ठीक है, जगह थोड़ा नहीं कम है। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, जैसे हमने इस आपको क्यूब में समझाया था, वॉल्यूम के लिए साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड समझाया था ना, ठीक है, इसमें भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चाहे आपसे वॉल्यूम पूछे या आपसे क्यूबॉइड की कैपेसिटी पूछे, जैसे आपसे पूछा जाएगा एक हमारे पास पानी की टंकी है, उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, ओके, ठीक। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। अब आप एक कदम और आगे जब चलेंगे तो पता चलेगा कि डायगनल भी होती है इसमें, अगर क्यूब में है डायगनल, रेक्टेंगल में है डायगनल, स्क्वायर में डायगनल है, तो भैया क्यूबॉइड में क्यों नहीं होगी, वहां भी तो होनी चाहिए। तो क्यूबॉइड में डायगनल के लिए क्या होता है, जैसे कि हमने स्क्वायर में मतलब क्यूब में डायगनल के लिए किया था, साइड इंटू √3, अंडर रूट L² + B² + H² ये होता है हमारा डायगनल के लिए फॉर्मूला, ओके।
इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे कि रेक्टेंगल में बेस जो है हमारा रेक्टेंगुलर बेस है ना, इसके लिए जब डायगोनल निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एच यहाँ पे हमारे पास है पहले से ही, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट करके कर लेंगे, कर पाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, सभी बच्चे सोच के बताएंगे रोम्बस क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स तो इक्वल होती हैं। सभी लोग कंफ्यूज थे ना कि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सबसे पहले जवाब दिया सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये डाउट्स यहाँ पे होंगे आपको, अब डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे स्क्वायर में सभी साइड्स तो इक्वल होती, रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर सर पहचानेंगे कैसे, वो तो पहले ही बता दिया, स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ओके, तो रोम्बस में हमारा सभी साइड्स तो इक्वल होंगी, बट कंडीशन ये होगी कि जो एडसेंट एंगल, समझ में आता है एडसेंट एंगल क्या होता है, जो एडसेंट एंगल, जो एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल, दो पैरेलल साइड से एक लाइन पे बने हुए एंगल्स, ठीक है, ये हमारे एडसेंट एंगल होंगे, एंगल ए डी सी, एंगल बी सी डी, ये हमारे एडसेंट एंगल है। तो एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल क्या, अपोजिट एंगल दिख रहा है सभी को, अपोजिट एंगल बी ए डी बी सी डी, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। फिर एक कंडीशन और बताई जाती है इसमें, एक कंडीशन और बताई जाएगी आपको कि इनके जो डायगनल्स होंगे परस्पर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो कि ये एक डायगनल है ना, दूसरा डायगनल हमारा AC है, तो AC BD पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, बोलो है ना। और जो इनके अपोजिट एंगल हैं उनको बाइसेक्ट करेगा, जो अपोजिट एंगल है उनको बाइसेक्ट करेगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये 2D फिगर है ना, तो इसलिए हम पेरीमीटर यूज करेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं ना, तो पेरीमीटर के लिए होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो